स्वागत है आप लोगों का NCERT जोन में। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लूसेंट स्टार्ट करने वाले। देखिए, एक साथ हम दो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक लूसेंट और एक हिस्ट्री क्लास 12th की। आप वो भी देख सकते हो, ठीक है ना? तो वो भी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि और उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं, दो चीज़ एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी क्लास 11th और 12th का ख़त्म हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का ख़त्म हो चुका है। कुछ बचा हुआ है, आप बताओ, आपको ज़रूरत है तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स? और उसके बाद और क्या चाहते हो आप, वो मैं अपलोड करवा सकता हूँ, ठीक है? तो आप इसमें देखो, और इसको मैंने बताया था कैसे रीड करना है, क्योंकि एक भी वीडियो नहीं है सब्जेक्टिव लूसेंट के यूट्यूब पर। और इसको याद करना इतना भी आसान नहीं है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, क्योंकि हम एक ही चीज़ करते रटने लगते हैं। और इतना भी आसान नहीं कि रट लिया जाए पूरा और पूरा रिटेन कर लिया जाए, और अगर करोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम एक एक चीज़ करके रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हमने शुरू किया था फिजिक्स को। तो फिजिक्स में पहला चीज़ लिखा है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप मेजर करने के लिए, जैसे नॉर्मली हम किसी चीज़ वज़न को मेजर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, केजी का यूज करते हैं। तो सेम इसी तरह किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड की क्यों ज़रूरत, क्यों भाई? अगर मान लो मैं एक, जैसे आप कुछ 1 kg मेरे से लेके जाते हो तो आपके घर जाए तो आपके घर भी वही 1 kg बचे। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से आपको 1 kg चावल देता हूँ कोई ईंट से नाप के, पहले जो होता था, और आप जाते हो आपके घर कोई और यूनिट रखा हुआ, आप उसे नापते हो तो 1 kg नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनिट में। और यूनिट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गांव में कुछ और है यूज हो रहा है और किसी और गांव में कोई और, एक डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना? इजी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना? रिप्रोड्यूसिबिलिटी आसान होनी चाहिए। उसके बाद इजी टू कंपेयर, ऑब्वियसली जैसे आप 1 kg चावल लाए और मैं 1 kg कुछ और लाए, दाल लाए, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूज करें, इंटरनेशनली कुछ भी चल रहा है तो जो इंटरनेशनल में चल रहा है वही, क्योंकि इंडिया को भी तो बाहर से कुछ खरीदना बेचना होता है ना। तो अगर ऐसे बराबर नहीं होंगे सब कुछ तो फिर मुश्किल आ जाएगी ना, ठीक है ना? यहाँ पे है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। भले ही फिजिकल कंडीशन कितना भी चेंज हो, आपका क्या जो यूनिट होगा चेंज होगा। 1 लीटर का मतलब जो होता है यहाँ, चाहे आप उसको पहाड़ पे ले जाए, आप कैसा भी करने, आप बर्फ़ में ले जाए, क्या वो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो यूनिट के बारे में सब कुछ डिस्कस हो गया। उसके बाद यूनिट के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल टाइप होता है। फंडामेंटल का मतलब जो हमें पहले से पता है, जिसको जैसे मान लो आपको पहले से पता है लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ये पहले से पता है, ठीक है ना? टाइम का यूनिट है वो सेकेंड पहले से पता है। लेकिन जो पहले से पता और जिसका फंडामेंटली जो 7 यूनिट होता है, उसका जो फंडामेंटल का यूनिट का मतलब है जो पहले से दिया हुआ है, जो फंडामेंटल है, ये बेसिक इसको मान लो, ठीक है ना? इससे इसको आप ब्रेक करके कुछ भी नहीं कर सकते। आप मान लो इसको, मान लो जैसे लेंथ को मान लो मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड। तो अगर इन दोनों को डेराइव करके कुछ नया आप बनाओगे, उसको आप बोल सकते हो डेराइव्ड यूनिट, ठीक है ना? जैसे मुझे लाना है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का यूज करके मैंने वेलोसिटी या स्पीड निकाल लिया। तो आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल और इसको बोलते हैं डेराइव्ड। इसको बोल सकते हैं हम डेराइव्ड, यानी वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो डेराइव्ड होता है, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, क्या लिखा हुआ है कि यूनिट डिपेंड्स ऑन चॉइस, ईच चॉइस ऑफ यूनिट लीड्स टू अ न्यू सिस्टम। लेकिन सबसे देखो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाता है 4 यूनिट के, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यूज आएगा या एग्जाम में भी पूछा जाएगा वो है एसआई यूनिट के बारे में। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जाएगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब सीधा पूछा जाएगा, ऐसा पूछते भी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है एसआई यूनिट 7 जो फंडामेंटल यूनिट है, सबसे पहले लेंथ किसका है, मीटर का। उसको सिंबल नहीं पूछा जाएगा, आप सिंपल पूछेगा लेंथ का क्या है, एसआई यूनिट मीटर का, मीटर लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, मास
वजन जो होता है ना उसका ऐसे यूनिट है किलोग्राम, ठीक है ना। आप कंफ्यूज कहाँ पे होंगे वो भी मैं बताता हूँ। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, घंटा आर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, जो करंट जो पास करती है ना उसको एम्पियर उसका होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, कि मतलब कोई सब्सटेंस कितना मोल है, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। मोल का मतलब होता है, मोल का मतलब ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस कितना मोल होगा, जितना उसका वजन होगा डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास होगा। ये भी याद रखना कि मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है ना, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो सबका पता चल गया, ये सबको और डिटेल में करेंगे जब इसका सेपरेट टॉपिक में आएगा, जैसे एम्पियर अपने टॉपिक में आएगा, इंटेंसिटी अपने टॉपिक में आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बताया जा रहा है बिसाइड दिस सेवन फंडामेंटल, दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, जैसे एक रेडियन होता है। रेडियन अगर कोई प्लेन एंगल को लेना है, जैसे मान लो ऐसे इस एंगल को लेना है, इसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है, जैसे हम इसको थीटा बोलते हैं ना, रेडियन को पाई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 पाई। जैसे कोई ये यूनिट है थीटा, है कितना डिग्री आपको लग रहा है भाई, ये डिग्री लग रहा है मुझे तो लग रहा है भाई 90, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, तो इस थीटा का वैल्यू होगा पाई बाई 2, ठीक है ना। तो रेडियन कब यूज करते हैं, जब 2D नापना हो। उसके अलावा अगर 3 डायमेंस, जैसे आपने आपका जो घर है उसका यूनिट लाना चाहते हैं, जो कॉर्नर नहीं होता है, तो वो कितना डिग्री होगा, उसको मानते हैं स्टे रेडियन से, ठीक है ना। स्टे रेडियन कब, जब सॉलिड एंगल मानते हैं। तो ये भी पूछ सकता है सॉलिड एंगल को मापने के लिए कौन सा यूनिट फंडामेंटल यूनिट किया जाता है, तो स्टे रेडियन उसको बोलोगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ डिराइव यूनिट मैंने बता दिया, कुछ डिराइव यूनिट है कैसे, फोर्स। फोर्स का इसे मैं बताऊंगा और डिटेल में। फोर्स का वैसे क्या है, न्यूटन, डेराइव यूनिट। और वर्क का क्या है, जूल। और इस सब का अपना देखो, फोर्स का फिर इस टॉपिक में फोर्स डिटेल में दिया है तो करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। लेकिन फोर्स का CGS यूनिट क्या है, डाइन, ठीक है ना। उसके बाद वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। और वर्क का CGS यूनिट है अर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10^5 डाइन, और 1 जूल इक्वल टू हो जाता है 10^7 अर्ग। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, समझाना पड़ेगा जब नेक्स्ट टॉपिक्स में आ जाओगे। नेक्स्ट के बाद पूरा फिजिक्स समझने वाला है, इस चैप्टर में ज़्यादा समझने वाला नहीं है। देखो इस यहाँ पे दिया हुआ कि सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सबसे पहले देखते हैं लेंथ का। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि कोई, ध्यान देना, लाइट जो सन से लाइट आती है ना, वो सन लाइट 1 साल में, ध्यान देना, 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। क्योंकि देखो लाइट है ना, जो सनलाइट आपके पास आती है वो, क्योंकि वो चल सन से आती है, आपको ये पता है, तो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है ना। तो 1 लाइट ईयर का फॉर्मूला होता है 9.46 × 10^15, ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मतलब होता है कि ध्यान देना सन से बीच के, सन और अर्थ के बीच की दूरी, सन से अर्थ के बीच की दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक ना। आपको पता है ऑलमोस्ट है 1.5 × 10^11, ठीक है ना, ठीक है ना, 150 मिलियन इसको बोलते हैं, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद पारसेक, पारसेक किसका यूनिट होता है, पारसेक भी लेंथ का यूनिट है ना, लेंथ का यूनिट है। पारसेक क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर को, लाइट ईयर जो ये वाला दिया है उसको 3.26 गुना कर देंगे तो पारसेक आ जाएगा। नॉटिकल माइल्स तो आपको पता है, नॉटिकल माइल्स जो यूज होता है कहाँ पे, सी, हमेशा सुनते हैं ना कि जो हमारा सी कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स में बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव राइट होता है ना।
तो उसके बाद उस तो उसको बोलते हैं, उसी को माइल बोलते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल्स या सी माइल इक्वल्स टू होता है 6020 फीट, ठीक है ना। 1 माइक्रोन, माइक्रो का तो यही बात होता है 10^-6 होता है। 1 माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। एंगस्टन का मतलब होता है 10^-10 - 10 मीटर, यानी एंगस्टन और ज़्यादा छोटा है, माइक्रोन तो छोटा है ही, अगर 1 मीटर इतना बड़ा है तो माइक्रोन उसका 10^-6, मतलब 1/10^6, 1 × 10^60, ठीक है ना, इतना छोटा हो गया एंगस्टन, और ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मास का यूनिट, ठीक है। इस पेज में ज़्यादा याद करने वाला है ये, मैं कुछ ज़्यादा समझा भी नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। उसके बाद मास का यूनिट क्विंटल तो आपको पता होगा, मैट्रिक टन, क्विंटल का मतलब होता है 100 kg, मैट्रिक टन का मतलब होता है 10^3 kg, यानी 1000 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट या डेल्टन, इसका मैं मतलब होता है 1.66 × 10^-27 kg। 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.59 kg। उसके बाद पाउंड का मतलब होता है ऑलमोस्ट आधा kg होता है, 0.4537। उसके बाद चंद्रशेखर यूनिट कितना होता है, 1.5 टाइम्स 10, देखो जो सन का मास होगा ना उसका 1.4 गुना कर लो तो एक आ जाएगा चंद्रशेखर यूनिट। उसके बाद आया टाइम का यूनिट। टाइम में पहला क्या है, सोलर डे, सोलर डे कितना सेकंड होता है, मतलब एक पूरा दिन हम अगर माने तो टोटल कितना सेकंड होता है, 80,400 सेकंड होता है। एक ईयर में कितने सोलर डे होता है, ऑब्वियसली 365 दिन, और 1/2 नहीं होगा इसका, 1/2 नहीं होगा, ये 1/4 होगा, तभी तो हर 4 साल में 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 होके हर 4 साल में एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखना है लूनर मंथ, लूनर मंथ का मतलब होता है कि कितने दिन में, ध्यान देना कितने दिन में चंद्रमा यानी मून अर्थ को रिवॉल्व कर लेता है, वो है 27.3 सोलर डेज, ठीक है ना, लूनर मंथ, ठीक है ना। उसके बाद ट्रॉपिकल ईयर का मतलब होता है कि टोटल सोलर इक्लिप्स, ध्यान देना जो सूर्य ग्रहण होती है ना, सूर्य ग्रहण इट इज़ द ईयर इन विच टोटल, वैसे साल जहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना कि ट्रॉपिकल ईयर क्या है तो ये ऑप्शन रहेगा, फिर भी हम कंफ्यूज होते रहेंगे अगर एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ट्रॉपिकल ईयर होता है इट इज़ ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स, जिस साल में टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसको ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। लीप ईयर तो आपको पता है, जिसमें फेब्रुअरी 29 का होता है, क्यों, क्योंकि 1/4 मतलब 6-6 घंटे होता है ना, हर साल क्या होता है 365 डेज, 6 आवर होता है, तो 6 आवर ऐड होते होते एक बार में 4 साल हो जाता है। उसके बाद प्रेफिक्स इन मैट्रिक सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है उतना, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो, जब दिया हुआ है तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो डेसी का मतलब होता है, देखो याद करने का है, डेसी सेंटीमिलीमीटर, क्योंकि डेसी का मतलब 10^-1। देखो अगर मान लो मैं 1 kg की बात, 1 ग्राम की बात करता हूँ, तो डेसी का मतलब हुआ 1 g/10, ठीक है ना, जैसे 1 g/10। सेंटी का मतलब हुआ 1 ग्राम का, जैसे मैं 1 मीटर की बात करता हूँ, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में आ गया। मीटर को, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से 100 से डिवाइड करेगा तो सेंटीमीटर में आ गया। मिली, ऑब्वियसली आप बोलते हो कि मुझे 1000 मिलीलीटर दूध चाहिए, इसका मतलब आप 1 लीटर की बात करते हो ना, तो 1 लीटर को 1000 से डिवाइड करो तो मिली, ठीक है। उसके बाद माइक्रो तो मैंने बता ही दिया, 10^-6, नैनो 10^-9, पीको 10^-12, फैंटो क्या होता है 10^-15, एटो का मतलब 18-18, जेप्टो 10^-20, एक्टो मतलब 10^-14। मैं एक चीज़ बता दूँ, याद नहीं करो, याद बिल्कुल भी नहीं करो, जो ज़रूरत होगी वो अपने आप दोबारा तिबारा आ जाएगी, तो इससे आपको ये पता चलेगा भाई ये याद है, अभी मैं एक भी नहीं याद करूँगा,
आपको भी नहीं करना है, क्योंकि आपको जो दोबारा तिबारा आएगा, जैसे आपको माइक्रो आएगा दोबारा, नैनो आएगा दोबारा, तो आप याद कर लेना, ऊपर का 5 आएगा दोबारा तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इधर से डेका डेका हेक्टो किलो, देखो डेका मतलब 10 गुना, हेक्टो का मतलब 10^2, 100 के होता है, किलो का मतलब होता है 10^3। जैसे मैं ग्राम बोलता हूँ, ग्राम बोलता हूँ ना, तो मैं बोलूँगा किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब 10^3 ग्राम है ना, होता है ना। इसी तरह गीगा का मतलब 10^9, टेरा का मतलब 10^12। अभी याद मत करो, जो आएगा तो याद हो ही जाएगा। उसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो अभी हमें क्या पता है, सिर्फ फंडामेंटल, मान लो हमें सिर्फ फंडामेंटल यूनिट पता है, ठीक है ना। उस फंडामेंटल यूनिट को यूज करके, उस फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम अगर नए यूनिट बनाते हैं, लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर थ्रू हिच डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट आर रेज टू डिफाइन अ क्वांटिटी। हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल यूनिट है, उस यूनिट करके यूज करके हम अगर कोई दूसरा क्वांटिटी बनाते हैं तो उसको डायमेंशन बोलते हैं, तो और इसको डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, द एक्सप्रेशन बाय व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। मतलब आपको यूज करना है सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। ये भी आपको पूरा याद नहीं करना है भाई, इसमें जो ज़रूरत होगी ना वो अपने चैप्टर में आ ही जाएगा, बस इसको समझ ही लीजिए। इसको भी याद बिल्कुल भी करने का ट्राई नहीं कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देख चलते वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब एक रूम के वॉल्यूम क्या होगा, रूम में क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, होता है ना। तो सब क्या है, सब मतलब लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 2 मीटर है। तो अब क्या करोगे, मीटर क्यूब हुआ ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, होता है ना, तो एम क्यूब, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट होता है, डायमेंशन सबका होता है एम इंटू, कोई भी ध्यान नहीं, जिसको नहीं पता उसे एम एल और टी दे दो। अब देखते हैं किस पे जीरो देना है, किस पे क्या देना है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या है, मीटर क्यूब है, और कुछ है बताओ, क्या यहाँ पे मास है, वजन है, नहीं भाई नहीं है। क्या यहाँ पे टाइम है, नहीं भाई नहीं है। तो टाइम और मास क्या रख दोगे, सीधा जीरो रख दोगे। लेकिन लेंथ पे कितना पावर रखोगे, लेंथ पे 3 पावर रखोगे, यही तो करना है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के नीचे कर दो, ठीक है ना, वॉल्यूम को नीचे करो तो ऊपर क्या है, मास, मास क्या है, मास एम, ठीक है ना, और नीचे वॉल्यूम में क्या होता है, एम जीरो, तो ठीक है ना, यहाँ पे एम जीरो और इनटू एल, ठीक है, चाहे उससे भी आसानी से तरीके से कर दो, जैसे मान लो चाहे ऐसे ही करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, हुआ ना। आप देखो, ठीक है, आप देखो यहाँ पे तो एम अपॉन एम जीरो क्या होता है, किसी के पावर 0 यानी 1 हटा देते हैं, क्योंकि होगा एल जीरो, नीचे है पावर 3 तो ऊपर जाएगा तो पावर -3। भाई ये पावर नीचे 0 ऊपर जाएगा, क्या 0 कभी हटता है, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर नीचे 1/T^0 करेंगे तो ये तो 1/1 ही होगा, तो ऊपर ही हम क्यों नहीं लिखते, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार और डेंसिटी का समझा देता हूँ, चलो वेलोसिटी का समझाता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, होता है ना, मीटर यानी, और सबका यूनिट आपको किस फॉर्म में लेना है, एम जीरो एल एम एल टी के फॉर्म में लेना है। तो आप देखो इसमें एम मास है ना, ऊपर नीचे सेकंड का क्या होता है, टी टी वन है ना यहाँ पे, और मास लेंथ नहीं है तो लेंथ को आप जीरो रख दो, तो एम वन एल जीरो टी माइनस वन, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है। तो आपको एक भी डायमेंशन याद नहीं करना है, जैसे 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 चैप्टर में आएगा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी का अपना चैप्टर है, उस चैप्टर में उसका अपना डायमेंशन करेंगे, सबका अपना अपना चैप्टर आएगा उसमें उसका अपना डायमेंशन करेंगे, ठीक है ना। और सॉरी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर यानी लेंथ होगा ना, सॉरी, देखो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मैंने क्या बोल दिया था, मीटर ही बोले थे ना, मीटर पर सेकंड, तो मीटर मास थोड़ी होगा, तो मास का तो जीरो हुआ,
क्योंकि आपको सबको इस फॉर्म में लेना है, एम एल टी के फॉर्म में लेना है, ट्राई करना है इसमें। तो एम जीरो लेंथ क्या होगा, लेंथ वन, मास का होता है लेंथ जीरो, और सेकेंड नीचे है टी वन, है ना। तो एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में हम करते जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन। मोशन में एटलीस्ट दो वीडियो में करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। उसके बाद फिर फ्रिक्शन, ठीक है ना। ट्राई करेंगे कि इस वीक में हम लोग फिजिक्स ख़त्म करने का, ठीक है ना। इस वीक में हम फिजिक्स कर, तीन वीक में हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।